फिर रोड पे आ जाओ धीरे धीरे, अब रोड पे आ जाओ। दोस्तों एक नया वीडियो देखिए कहाँ जा रहा हूँ मैं, 1 घंटा 24 मिनट। तो आगे चलते हैं हाईवे पे, देखिए तो निकल पड़े हैं एक वीकेंड न्यू ट्रिप, स्मॉल है, हाफ डे और वन डे में हो जाएगा आपका, 1.5 घंटे की दूरी है। कहाँ जा रहे हैं मैं आपको थोड़ी देर में ही बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहे। देखिए कितना मौसम सुहाना, मंजिल की ओर बढ़ते हुए। आप देख सकते हैं पहाड़ियाँ, बारिश का मौसम हो रहा है, कितना उम्दा, कितना सुखद नज़ारा, आंखों को सुकून देने वाला नज़ारा। तो 1.5 घंटे की सफ़र होने के बाद ये देखिए टोल पे हम आ गए हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा 100 रुपीज़ टोल देना पड़ेगा, फास्टैग है, फास्टैग यूज़ कीजिए, ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा, पेटीएम से लिंक करें या बैंक से लिंक करें फास्टैग को। टोल से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको राइट साइड मुड़ना पड़ेगा भोंड की तरफ, तो वहाँ पे आपको 3-4 स्पॉट है, उसमें से मैं कुछ स्पॉट कवर करने वाला हूँ। तो हम भोर की तरफ जा रहे हैं, 40-45 किलोमीटर के बाद सतारा रोड पे आप जाएंगे तो वहाँ से आपको यू टर्न लेके राइट साइड में मुड़ना पड़ेगा। देखिए कितना अच्छा गाँव की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अब एक पहले पॉइंट पे, नेकलेस पॉइंट। तो ये जो नेकलेस पॉइंट है यहाँ पे दो नदी जुड़ती है, नीरायन गुंजावनी रिवर, जो दोनों मर्ज होती है। और ये देखिए कितना बढ़िया व्यू, नेकलेस जैसा व्यू क्रिएट होता है। तो ये एक अद्भुत नज़ारा है, 1.5 घंटे की डिस्टेंस है बस पुणे से। पीछे आप देखिए नेकलेस पॉइंट का नज़ारा, नेकलेस पॉइंट काफी जगह से हम देख सकते हैं। उसमें से एक ये स्पॉट है, 4-5 जगह से देख सकते हैं, बड़ी हमने हॉल्ट लिया है। अब आपको थोड़ा दूर से दिखाता हूँ, देखिए कितना अद्भुत नज़ारा। बच्चों के साथ भी जा सकते हैं, हाफ डे ट्रिप, 6 से 7 घंटे में आप खा पी के रिटर्न भी आ सकते हैं। अब वहाँ से देखिए, वहाँ से भातगढ़ डैम दिखता है। ये डैम ब्रिटिश के समय बना था और आज भी इरिगेशन और एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं भातगढ़ डैम की तरफ, के थोड़ा और क्लोज, पहाड़, नदी, खेत खलिहान, ये बचपन की याद दिला देते हैं। देखिए हरियाली ही हरियाली है चारों तरफ, और रास्ते देखिए, कच्चा रास्ता नहीं है बट मीडियम रास्ता है, बट देखिए कितना अच्छा नज़ारा। तो थोड़ा सा एक ब्रेक बनता है ताकि आप बाकी दिन काम कर सकें, तो वीकेंड में वहाँ जा सकते हैं। अब हम गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, ये देखिए पैरी क्रॉप्स, गांव में आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए कितना इजी इनकी लाइफ है, आराम से सुकून से बैठते हैं, बातें करते हैं। हम इनको डायरेक्शन पूछ रहे हैं कि भातगढ़ डैम कैसे जाना है। तो गांव में थोड़ा सा घूम लिए हमने, वहाँ पे हॉट लिए, आप भी घूम सकते हैं। उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, गाय भैंस सब कुछ दिखेगा आपको, एंड आपको ऐसा लगेगा कि
एक अच्छी जगहें हैं। ये देखिए, पीछे का नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे हमने कुछ आधा घंटा हॉल्ट लिया, बच्चों को स्नैक्स पानी वगैरह करके फिर आगे निकले। ये देखिए, हम भदगढ़ डैम की तरफ जा रहे हैं खेत। तो अभी हम आ चुके हैं, देखिए भदगढ़ डैम पीछे आप देख सकते हैं, डैम दिख रहा है, हाइड्रोलॉजिकल इरीगेशन काफ़ी यूजफुल है ये डैम गाँव के लिए। ऐसे स्पॉट है जाने के लिए नज़दीक, लेकिन आपके पास टाइम है तो आप आराम से सुकून से जाइए। लोग आते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, चले जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा रुकना बनता है। आप देख सकते हैं आराम से गाड़ी पार्क करके आप कुछ स्नैक्स का आनंद उठा सकते हैं। तो ये देखिए, डैम का दरवाज़ा दिख रहा है, वहाँ से पानी आता है। काफ़ी बड़ा स्ट्रेच है, ब्रिटिश के समय बना हुआ है। तो यहाँ कैसे आना है उसका गूगल मैप का लिंक मैं आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या क्या कर सकते हैं, हॉल्ट कहाँ पे लेना है, क्या क्या चीज़ें आपको कैरी करनी है, सब इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। यहाँ पे हमने आधा घंटा के आसपास वक्त गुजारा, बच्चे ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। अब फिर रिटर्न आ रहे हैं, रिटर्न आते समय आपको नेकलेस पॉइंट का एक अलग व्यू दिखाऊंगा। ये देखिए, तो यहाँ पे एक अलग स्पॉट है, रिटर्न आते समय मैंने पहले नहीं मिल पाया था, तो ये रिटर्न आते समय देखा मैंने स्पॉट, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। आपको कॉर्न मिल जाएगा, खाने का ऑप्शन है, बटर में या मिर्ची जो भी कॉर्न देते हैं वहाँ पे, एकदम बढ़िया टेस्ट है। आप देखिए कितना अद्भुत नज़ारा, दो नदियों का जो संगम है। उसके आसपास काफ़ी छोटे छोटे लेक्स हैं, क्योंकि डैम है तो पानी रहेगा ही। तो एक फ़ोटो स्पॉट भी है, ये फ़ोटोज़ लेने के लिए काफ़ी लोकेशंस हैं। यहाँ देखिए, गांव के पास जब हम गुजर रहे थे तो कैसा नज़ारा था। भदगढ़ डैम से जब थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये देखिए मंदिर कितना बढ़िया दिख रहा है। लोकेशन देखिए, पहाड़, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। आराम से जाना है आपको, टाइम लेके जाइए थोड़ा, 5-6 घंटे, ताकि आप वहाँ पे एक एक चीज़ एक्सप्लोर कर पाएँ। तो नेकलेस पॉइंट, भदगढ़ डैम गांव, और आसपास एक फॉल भी है, लेकिन फॉल काफ़ी अंदर था इसलिए हम गए नहीं। तो जब गांव से निकले तो देखिए छोटे छोटे पुल मिलेंगे आपको। अब जो मैंने लोकेशन आपको दिखाया था, एक और स्पॉट है जहाँ से आप नेकलेस पॉइंट देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको कॉर्न मिल जाएगा। थक गए थे तो थोड़ा खा लेता हूँ। अब एक और स्पॉट है, देखिए यहाँ पे आपको कॉर्न वाले भैया, उनसे बात कर रहा था। 40 रुपीज़
या 30 रुपये में आ जाएगा आपको। हाँ मीडियम बनाने का ना? हाँ मीडियम। मीडियम मतलब चिली? नहीं थोड़ा तीखा करो। ग्रीन चिली है क्या? है ना, थोड़ा तीखा करो। ग्रीन नहीं, लाल है। हाँ समझा ना, तो ये कभी चपाती वगैरह का एक बस मिस हो ना। एक एनर्जी देता है आपको कौन? नेचुरली बनाते हैं लकड़ी में, देखिए ऐसा नहीं है गैस यूज कर रहे हैं, वुड में, वुड फायर, टेस्ट अलग, धुआं जो स्मेल, जो स्मोक, स्मोकी फील आता है वो आएगा। ये लो सोल कड़ी। तो एक फोटो स्पॉट है नेकलेस पॉइंट का, जो रिटर्न में हमने कवर किया जाते समय, जब हमने देखा था तो हाईवे से देखा था। ये एक स्पॉट है जहाँ से थोड़ा सा अंदर जाना है, हार्डली 20-25-30 मीटर, वहाँ से भी नज़ारा अद्भुत। आपको बोर्ड भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। क्या नहीं करना, क्या करना, ये सब राजगढ़ एरिया का है। ये देखिए ये जो लोकेशन है, यहाँ पे फोटो स्पॉट है, यहाँ पे आप फोटो ले सकते हैं। पत्थर